बस सो गाइस, आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सिंपली जो है हम देखते हैं, सिंपली जो है एक अपडेट निकल के आया है न्यूज में। और सिंपली क्या देखते हैं इसमें, देख पा रहे हैं गाइस कि यूपी में 6 महीने से 20,000 आंगनवाड़ियों भरने का टारगेट, जो न्यूज निकल के आई है 2 घंटे पहले की न्यूज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बट इसमें 11 साल से आंगनवाड़ियों की भर्ती नहीं आई है, जबकि अब 50,000 वर्कर्स रिटायर हुए हैं। यहाँ पे सिंपली 2 घंटे पहले की है अपडेट, देख पा रहे हैं यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स के आश्रय पे यूपी के करोड़ लोगों की हेल्थ है। ये जो न्यूज निकल के आई है वो सिंपली जो है दैनिक भास्कर की तरफ से रिलीज होके आई है, आप देख सकते हैं। यानी कि 6 महीने के अंदर 20,000 आंगनवाड़ियों की भर्ती हो सकती है गाइस। और इसमें देख पा रहे हैं हम, नीचे इसको रीडिंग करते हैं, मदन टूसी गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र वाली उषा दीदी पिछले साल कोरोना में ख़त्म हो गई थी। कोरोना वगैरह का तो था पहले, लेकिन अब इस समय जो है करंट टाइम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे फैल रहा है, तो इसलिए विभाग ने हमें उनके सेंटर के अतिरिक्त चार्ज दे दिया था। ये इससे काम का प्रेशर दोगुना बढ़ गया था। योगी नई भर्तियां निकालते हैं तो बहुत सुकून हो जाएगा, यह कहना है कि रायबरेली के अधौड़ा गाँव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुधा देवी का। सुधा इस वक्त 2 आंगनबाड़ी केंद्र संभाल रही हैं। उन पर 120 से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, इसमें गर्भवती महिलाएं और किशोरियां और बच्चे भी शामिल हैं। इसे मालूम होता है कि 20,000 की वैकेंसी 6 महीने के अंदर यूपी में रिलीज होगी। इसमें हम आपको पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे कि जो है कौन कौन से स्टेट में कितना जो है आंगनबाड़ियों के लिए वैकेंसी जो है निकल सकती है, कितनी वैकेंसी हो चुकी है, सारा मैं पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आप बने रही हैं। सुधा जिन भर्तियों की बात कर रहे हैं उस पर सीएम योगी ने 19 अप्रैल को बड़ा आदेश दिया है। यूपी में हेंड्रे दिन के एजेंडों को लेकर योगी सभी विभागों के साथ बैठक करते, इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन में योगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कई साल से भटकी भर्तियों पर अधिकारियों को आदेश देते हैं। वो कहते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 20,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी कराएं। यानी कि देख पा रहे हैं गाइस, हम जो है कुछ दिन पहले जो आंगनवाड़ी से एक वीडियो भी बनाए थे, क्रिएट किए थे, तो इसमें भी इस अपडेट के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था। यहाँ पे आप सिंपली जो है प्रूफ के साथ देख पा रहे हैं कि 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी कराएँ। मतलब कि सीएम योगी, जो यूपी के सीएम योगी हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने 6 महीने में बोला है अपने अधिकारियों को कि 20,000 आंगनवाड़ियों की भर्ती कराया जाए। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सारा जो है प्रोसेस रहेगा। और सिंपली मैं दिखा देता हूं और नीचे आते हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी, यूपी जो होता है इंडिया में ही है, यूपी में सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी केंद्र वर्कर्स की संख्या उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं कितने हैं, 1,87,659 है। इसमें बिहार का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, यूपी का देख सकते हैं, महाराष्ट्र का देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं। देश में कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 39 लाख है, 13.39 लाख है टोटल। अगर इसमें बात करूँ आंगनबाड़ी तो वर्कर्स की, हरियाणा में मिलती है सबसे ज़्यादा सैलरी। हरियाणा स्टेट में जो है यूपी नंबर 5 पे है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है सैलरी प्रोवाइड करने वाला जो स्टेट है, यूपी में 8,000 रुपये तक मिलता है, दिल्ली में जो है 9,768, केरल में 10,000 रुपये, महाराष्ट्र में 8,666 रुपये। वहाँ पर जो है आंगनबाड़ियों की जो सैलरी हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। तो मैं गाइस, हमारे वीडियो साथ आप बने रहिए, मैं हरियाणा का भी अपडेट आने वाला है, हरियाणा, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र में भी वैकेंसी निकलने वाली है, तो मैं चारों राज्यों का अपडेट दे दूंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं देखता हूँ क्या प्रोसेस, भारत में सबसे बड़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स के चयन यूपी में, उत्तर प्रदेश में करीब 1,87,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन केंद्रों पे जो है 1.68 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चों की सुविधाएं दी जाती है, जिसमें से 6 साल के बच्चों की संख्या इतना करोड़। यूपी में इतना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। यूपी में 50,000 पोस्ट खाली है, 50,000 पोस्ट खाली है, लेकिन 20,000 6 महीने में भरा जाएगा, इन्हें अगले 6 महीने में भरा जाना है। बाकी बचे 30,000 पोस्ट अप्रैल 2023 तक लोगों को भर्ती कराने का टारगेट रखा है। इससे मालूम होता है, देख पा रहे हैं गाइस, यूपी के लिए बहुत खुशखबरी आई है। अगर आप यूपी से हैं तो बहुत आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए 6 महीने में 20,000 की भर्ती होगी, यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं। और साथ में
यहाँ पे साथ में देख पा रहे हैं कि ये जो अप्रैल में जो होता है 2023 में 30,000 की भर्ती होगी, यानी कि आपका 50,000 की भर्ती आपको साल भर के अंदर जो है यूपी में आंगनबाड़ियों के लिए कर दी जाए। इसमें वर्कर का भी रहेगा, हेल्पर का भी रहेगा, सहायक का भी रहेगा, तो यही सारा प्रोसेस है सब कुछ। इसमें 2011 के बाद नहीं हुई थी भर्तियाँ, रिटायर हो गए थे 50,000 वर्कर 2021 में। यही देख पा रहे हैं योगी के आदेश के बाद एक्शन में आया था ICDS, कोरोना काल में 85 आंगनबाड़ी वर्कर की मौत हो गई। यही सारा न्यूज है गाइस, आपको मैं जो है दिखा दे रहा हूँ। आज ही जो है 2 घंटे पहले ही अपडेट हुआ था, तो मैं सोचा कि इसके बारे में आपको अपडेट कर दूँ। तो इसलिए यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप लोग अपना टारगेट बना के रखे रहिए, आप लोगों की जरूर जो है ज्वाइनिंग होगा, भर्ती हो जब होगी, चाहे मेल फीमेल दोनों के लिए जो भी है। तो यही सारा प्रोसेस है गाइस, और जो भी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे या कुछ भी लगे, किसी के माइंड में क्वेरी आए आंगनबाड़ियों से रिलेटेड, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, हम मिलते हैं नए कंटेंट और नए टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।